नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, नासा का डार्ट मिशन तो आपको याद होगा, जिसके द्वारा स्पेस क्राफ्ट से 500 करोड़ किलोग्राम वजनी एस्ट्रॉइड जो धरती की तरफ आ रहा था उसकी दिशा बदल दी गई थी, और इससे तय हो सका कि भविष्य में धरती को इन एस्ट्रॉइड के हमलों से बचाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार एक और प्रयोग हुआ है हाल में बिजली को लेकर, जिसमें वैज्ञानिकों को सफलता मिली है, और हो सकता है आने वाले सालों में अब पुरानी टेक्निक छोड़ इस नई टेक्निक का ही इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, हाल में हम अपनी इमारतों पर बिजली से बचाव के लिए धातु के लाइटनिंग रॉड्स लगवाते हैं, जिससे कि इसके द्वारा गिरने वाली बिजली सीधे धरती के अंदर पहुंच सके या फिर उसकी दिशा में बदलाव किया जा सके और होने वाली घटना से बचा जा सके। लेकिन हाल के प्रयोग में इसकी जगह पर इस्तेमाल किया गया है लेजर बीम का। इसके पीछे कारण है कि जो हम अभी इस्तेमाल करते हैं रॉड्स का, उनका एक दायरा होता है और वो एक छोटे से एरिया को ही सुरक्षित कर पाती है, जिससे कि उसके दायरे से बाहर बिजली की घटनाएं घटित हो जाती हैं। कारण है, ज्यादा बड़े एरिया को सुरक्षित नहीं करती है ये रॉड्स। वैज्ञानिकों का कहना है कि लेजर बीम से बहुत बड़ा एरिया सुरक्षित किया जा सकता है। दरअसल पहली बार वैज्ञानिकों ने लेजर से आसमान में रैपिड फायरिंग के द्वारा आकाशीय बिजली की दिशा को बदल दिया। ये एक प्रयोग था जिसे वैज्ञानिकों की टीम ने स्विट्जरलैंड के एल्प्स के पहाड़ों के ऊपर किया था। वैज्ञानिकों का कहना रहा कि लेजर बीम के जरिए हम काफी बड़े इलाके को आकाशीय बिजली के प्रकोप से बचा सकते हैं और आकाशीय बिजली गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान से बचा भी जा सकता है। स्विट्जरलैंड के एल्प्स के ऊपर 25 वैज्ञानिकों ने लेजर बीम दागने की तकनीक लगाई, जो कि बहुत हाई एनर्जी का लेजर बीम फेंकने वाला एक यंत्र था। कुल 4 बार ये प्रयोग किया गया। इस दौरान हर सेकंड 1000 हाई एनर्जी लेजर बीम आसमान में दागी गई, और ये पाया गया रिजल्ट के तौर पर कि आकाशीय बिजली लेजर लाइट का सहारा लेकर सीधे उसके बताए गए रास्ते पर चली गई, और इस तरह ये प्रयोग सफल रहा। इस प्रोजेक्ट के लीडर और पेरिस स्थित लेबोरेटरी ऑफ एप्लाइड ऑप्टिक्स की फिजिसिस्ट ऑरेलिन होवार्ड का कहना रहा कि एक ताकतवर लेजर बीम आसमान में एक लंबा कंडक्टिव पाथ बनाता है, और इस पाथ के रास्ते ही आकाशीय बिजली सीधे आकाश में ऊपर या फिर जमीन की तरफ वापस चली जाती है। यह वैसा ही है जैसे आप हवा में ड्रिलिंग करके एक गहरा छेद बना दें। तो दोस्तों, एक के बाद एक कई प्रयोग वैज्ञानिक लगातार हर साल किसी न किसी क्षेत्र की समस्या को सुलझाने के लिए हमेशा प्रयासरत रह के करते हैं। वहीं प्राकृतिक आपदाओं से कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर भी कई रिसर्च चल रहे हैं, और इसी दिशा में वैज्ञानिकों ने आसमान में लेजर से रैपिड फायर करके आकाशीय बिजली की दिशा बदल दी। एक प्रयोग था ये जानने के लिए कि क्या इसके द्वारा आकाशीय बिजली की दिशा को मोड़ा जा सकता है या नहीं, और ये प्रयोग सफल रहा। फिलहाल इस प्रयोग को अभी पूरी तरह से विकसित होने में समय लगेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात इस छोटे से प्रयोग के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड और हमारे ही चैनल शोध से। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। इजाजत दें, नमस्कार।